जरूरी चीज के इन तीनों मसलों के अंदर एक चीज नहीं करते हम जिसकी वजह से इसके अंदर रस्में घुस जाती है और बहुत सारी चीजें लवाजिमात आ जाती है। वो चीज होती है कि बच्चा पैदा हुआ, अकीका हो रहा है, तो अकीक के अंदर ये होना चाहिए कि एक आदमी मुत्तकी परहेजगार और पढ़ा लिखा उस आदमी को खड़ा करनी चाहिए और माइक स्पीकर लगाकर उसको बुलवाना चाहिए कि आप थोड़ा सा यहाँ पर खिताब करें कि बच्चे की पैदाइश के तालुक अल्लाह की तारीफ बयान करें, कैसे उस बच्चे को पैदा करता है, उसने हमको पैदा किया, उसका एहसान क्या है हमारे ऊपर, उसकी तारीफ बयान की जाए, उसको बताया जाए तुम्हारी पैदाइश का मकसद क्या है, ये बच्चा पैदा हुआ तो क्यों पैदा हुआ है, इसको करना क्या है दुनिया के अंदर और इसको जाना कहा, ये वहाँ पर मकसद बयान किया 10-15 मिनट तक, 10-15 मिनट का होना चाहिए अकीके के अंदर। ये अच्छी रस्म इसको शुरू करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, इसको शुरू किया जाए। ये का ये निकाह के अंदर भी होना चाहिए, निकाह के अंदर वो खाली अरबी में पढ़ के चले जाते हैं, तो इसके अंदर भी होना चाहिए, बताना चाहिए निकाह क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, और इसके अंदर औरतें हैं वो खास जिन्होंने सबसे ज़्यादा रस्में वो फैलाई हैं और वो वहाँ सजी जदी बैठी हैं अंदर कमरे में, उनको कोई देख ही नहीं रहा और वो सब आपस में लगी हुई, तेने क्या पहना, तेने ये नहीं पहना, ये कहाँ से लाई, वो कहाँ से लाई, और गीबत चालू पूरी, वहाँ पर भी होना चाहिए। या तो जो आदमी बाहर से ही मर्द अगर खुतबा दे रहा है तो वो अंदर भी स्पीकर लगा के वहाँ पर भी दो, आज हमारे पास में है ये, आपने डीजे का खर्चा करा स्पीकर नहीं वो लगा सकते अंदर, वो भी लगाना चाहिए तो वहाँ लगा के ताकि उनको वाज नसीहत हो, या फिर नहीं हो तो एक औरत खुद हो जालिमा और उन सबको वाज नसीहत करें, ये खुतबा क्या था और क्या हमको बताया गया दीन के अंदर, ये बार बार होगी तो फिर इसमें से चीज़ें निकलेंगी। ऐसा कैसे मैयत में भी होना चाहिए, या तो दफन के बाद हो या फिर जो है मैयत के बाद में कुछ वाज नसीहत करनी चाहिए, देखो तुम आज इनकी जनाजे नमाज तुमने आज पढ़ी है, तुम्हारी भी एक दिन पढ़ी जाएगी और तुम्हारा काम जो है जिंदगी में अगर नेक अमल किया तो तुम्हारे साथ में जाएगा, नहीं तो ऐसे कैसे तुमको भी दफन कर दिया जाएगा, और इससे इबरत हासिल करो कि हर आदमी को ऐसे खामोश होना है जो चलता फिरता नजर आ रहा है, तो ये वहाँ पर भी होना चाहिए। तो तीनों अहम हमारे मरहले जिंदगी के अहम, पैदाइश, निकाह और मौत, मैयत, तो इसके अंदर हमको ध्यान रखना चाहिए और क्या दीन है क्या दीन नहीं है ये हमको मालूम करके इन चीज़ों को करना चाहिए, नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें ऐसे ही इसके अंदर ये लवाजिमा तो सारे लोग इसमें बढ़ाते जाएंगे क्योंकि इसके अंदर वाज नसीहत हम नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छा काम है इसमें शुरू किया जा सकता है तो हम करेंगे।